बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन मोहतरम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबियिल उम्मी व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबियिल उम्मी व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम। सामईन मोहतरम, मैं प्रोग्राम में एक नज़्म वंदा बूटा लेकर हाजिर खिदमत हूँ। सामईन मोहतरम, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि एन मीम चौधरी को वंदा बूटा से तशबीह दी जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि मैंने आपको इसका तसव्वुर पहले भी वाज़े किया था कि वंदा बूटा घनी छाँव रखता है और इसकी छाँव घनी होती है और इसका फल इजी टू अप्रोच होता है। लिहाजा अगर अली मोहम्मद साहब चौधरी को देखा जाए तो इनकी शख्सियत में भी ये तमाम चीज़ें मिलेंगी आपको। मखलूक़े खुदा की खिदमत करना इनका फ़र्ज़ अव्वलीन समझते हैं। ख़्वाबो तालीमी मैदान हो, माशरती मसाइल हों, दीनी दुनियावी और रूहानी हर तरह के मसाइल के लिए लोग इनके पास हाज़िर होते हैं और ये बिला तख़सीस रंगो नस्ल लिसानी और मज़हबी तसुबात के हमेशा हर एक की खिदमत के लिए तैयार होते हैं। लिहाजा मैं आज इनके लिए एक नज़्म पेश करूँगी, शरीफ गुंजाही की वंदा बूटा। आप जब ये नज़्म सुनेंगे तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा कि वंदा बूटा क्या होता है, उसकी क्या खसूसियात होती हैं और सर अली मोहम्मद चौधरी साहब अलमारूफ़ एन मीम चौधरी में ये खसूसियात बदरजा उत्तम मौजूद हैं। तो सुनिए नज़्म वंदा बूटा। मैं वंदा संगना बूटा, ठंडियाँ मेरियाँ छावा, मिठियाँ मेरियाँ पीलूं, वे तू राया जांदियाँ। मैं वंदा संगना बूटा, ठंडियाँ मेरियाँ छावा। मैं वंदा संगना बूटा, ठंडियाँ मेरियाँ छावा, मिठियाँ मेरियाँ पी लूँ, वे तू राया जांदियाँ। आ जा झट कुसा लै, मेरियाँ पीलूँ खा लै, मेरी छावें बह लै। मैं वंदा संगना बूटा, ठंडियाँ मेरियाँ छावा, आ जा झट कुसा लै, आ जा झट तू सा लै, मेरियाँ पीलू खा लै। के होया दिन सर तो ढलिया, पर इंज धुपे सड़ियाँ, दुथल फकियाँ, कुछ नहीं बंदा, ओ वे झट सुहाने। के होया जे ढलिया। जेड़ी छावां बैठ विहाने, ए छावां भी चार दिहाड़े जोबन, फिर पत्रां ने झड़ना। आ जा आके बह ले, मैं वंदा संगना बूटा,
ठंडियां मेरियां छावां, ठंडियां मेरियां छावां। अज आके बैले थले मैं वंदा संगना बूटा, ठंडियां मेरियां छावां, ठंडियां मेरियां छावां, ठंडियां मेरियां छावां। मैं वंदा संगना बूटा। जिसा महीने मोहतरम, ये नज़म थी शरीफ कुंजाही की। आपने नज़म भी सुनी और उनके बारे में भी सुना कि फिर अब आप ख़ुद ही इंसाफ कीजिए कि मैंने गलत कहा था क्या। आप उनसे जब मिलेंगे तो आपको मेरी बातों में, मेरी जो मैंने उनके बारे में बयान किया है वो कम महसूस होंगी, समझेंगे कि वो इससे भी ज़्यादा इसके हकदार हैं। इसके साथ ही राबिया इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।